सिंगल चार्ज में 150 किलो वजन लाद कर 120 किलोमीटर तक दौड़ सकता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। कीमत और फीचर्स भी किफायती। जी हाँ दोस्तों, बता दें नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है जहाँ पे सिंगल चार्ज में आप 150 किलो वजन इसमें लोड करके चल सकते हैं, 120 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाएगा। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं दोस्तों, कीमत और फीचर्स के बारे में, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सारा कुछ डिटेल में बात करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करने जा रहे हैं। खरीदने के प्लान अगर आपका है दोस्तों, तो यहाँ पे जान लेते हैं कम कीमत में लंबी रेंज देने वाला स्कूटर के पूरी डिटेल के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मांग तेजी से देश में बढ़ रहा है, जिसके चलते अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में। ऐसे में पेट्रोल वाले स्कूटर और बाइक की तरह यहाँ पे बड़ी होती जा रही है डिमांड के मामले में देखा जाए। तो बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी प्योर ईवी के इंट्रेंस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जो कि अपनी कंपनी का एक सफल स्कूटर है। और कंपनी ने इस स्कूटर को युवाओं की पसंद और नई तकनीक को ध्यान में रखते हुए आकर्षक डिजाइन और हाईटेक फीचर के साथ बनाया है। बात करते हैं आगे इसमें, तो इस स्कूटर की बैटरी और पावर की बात करें तो कंपनी ने इसमें 60 वोल्ट और 2.5 किलोवाट का जो है सो लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। बैटरी के साथ आपको बता दें 1.5 किलोवाट का नॉमिनल और 2.2 किलोवाट का पीक पावर वाली मोटर दी गई है, जो कि एक BLDC मोटर पर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो स्कूटर की ड्राइविंग रेंज और स्पीड के लेकर के कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 120 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है, जिसके साथ मिलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड। जी हाँ दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ 120 किलोमीटर का माइलेज यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, तो स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम में कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दिया है और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसके साथ अब स्टाइलिश एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग इसका, तो स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो कंपनी इसमें 4 इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया है, LED हेडलैम्प है, LED टेल लैम्प है, उसके बाद ट्विस्टल टर्टल एंटी थेफ्ट लॉक जैसे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस स्कूटर का लोडिंग कैपेसिटी को लेकर के कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 150 किलो वजन उठा करके आसानी से तेज रफ्तार में दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 150 किलो तक यहाँ पे आप इसमें लोड लेके चल सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे काफ़ी मजबूत बनाया गया है। वहीं आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस स्कूटर को 6 आकर्षक कलर स्कीम के साथ पेश किया है, जिसमें व्हाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, उसके बाद ब्लैक कलर है, फिर ब्लू है, आपके ग्रे है और सिल्वर कलर यहाँ पे शामिल है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे जो है सो कंपनी के द्वारा 6 कलर में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं, तो ईवी प्योर कंपनी ने इस स्कूटर की 81,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली FAME II सब्सिडी के बाद इस स्कूटर की कीमत काफ़ी कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें 81,999 रुपये इसका फुल कीमत है, लेकिन सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी मिलाकर के लगभग 40,000 रुपये इसमें कम हो जाएगा। तो 40,000 कम होने के बाद आप समझ सकते हैं कि 42,000 में ये स्कूटर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप भी इस स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी प्योर ईवी का जो है डीलरशिप पर जाकर के भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देते हैं, वहाँ से आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने आपके घर के सामने डीलरशिप है तो डीलरशिप में भी जाइए और इस स्कूटर को परचेज कर लीजिए। काफ़ी अच्छा स्कूटर है प्योर ईवी का ये इंट्रेंस नियो। बाकी आपको क्या कहना है कमेंट में बताइएगा दोस्तों, इंट्रेंस नियो जो आपका है प्योर ईवी का, ये कैसा लग रहा है स्कूटर आपको, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसका बारे में अच्छा ख़राब जो भी आपको लगे वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त कर देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।